दो दिन बाद उसको फांसी होनी होती है। जेलर साहब पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूं कि आप हमारी अंतिम इच्छा पूरा कर दें। मैं चाहता हूं कि अपना आखिरी रात या फिर मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं। उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूँ। और इस बात को सुनकर जेलर साहब कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं और वह सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल की नौकरी में ऐसा कैदी पहली बार देख रहा हूँ। इसको 2 दिन बाद फांसी के फंदे पर झूलना है। इस दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह पत्नी के साथ रात बिताना चाहता है, वह पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है। अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वो उसके पत्नी को यहाँ खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। जी हाँ, जब इस पूरी दुखद कहानी को मैं आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपकी रूह भी कांप उठेगी। और यह कहानी उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की है, जहाँ पर दो दोस्त होते हैं। एक का नाम सुबोध होता है और दूसरे का नाम प्रमोद होता है। सुबोध और प्रमोद एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, धीरे धीरे एक साथ बड़े भी होते हैं। और कुछ समय बाद दोनों दोस्त एक कंपनी में जॉब के उद्देश्य से ज्वाइन कर जाते हैं। और इसी बीच उस कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है, और वह सुबोध से कहीं ना कहीं प्यार कर बैठती है, सुबोध को अपना दिल दे बैठती है। और दोनों का एक साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना एक साथ हो जाता है। सुबोध जब कंपनी में अपना टिफिन लेकर के जाता है तो उसके टिफिन से वंदना भी निकाल कर खाना खा लेती है। और जब वंदना लेकर के जाती है तो उससे सुबोध भी निकाल करके खा लेता है। मतलब यह कहें कि इन दोनों की दोस्ती इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी जो कहीं ना कहीं औरों को भी नज़र आने लगा था। सुबोध का जो दोस्त था प्रमोद, प्रमोद कहता है कि दोस्त, मैं चाहता हूं कि हमारी भी दोस्ती उसी लड़की वंदना से हो जाए। तो सुबोध कहता है कि दोस्त, कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे को शेयर नहीं करना चाहता है। मैं भी सब कुछ शेयर कर दूंगा लेकिन गर्लफ्रेंड शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो वो हमारी है। कहीं ना कहीं वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हम उससे तुम्हारी दोस्ती नहीं करवा सकते हैं। इस बात से कहीं ना कहीं प्रमोद नाराज हो जाता है और उसी समय से सुबोध के प्रति उसके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक दिन मौका पाकर प्रमोद उस लड़की के मना करने के बाद भी उसके साथ जबरन करता है, उसके साथ हर वो काम करता है जो आमतौर पर लड़की नहीं चाहती है। और उस हद तक वहाँ गुजर जाता है और उसके बाद उसकी बड़ी बेरहमी तरीके से गला दबाकर ना सिर्फ हत्या करता है बल्कि हत्या करने के बाद सुबोध के बेड पर जाके सुला भी देता है और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाता है। और इसके बाद खुद इस बात की सूचना पुलिस को फ़ोन करके देता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे यहाँ पर पड़ी हुई है, उसका डेड बॉडी यहाँ पर पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और उसी समय सुबोध उस रूम में पहुँचा हुआ होता है और सुबोध की गिरफ्तारी वहाँ पर हो जाती है। सुबोध यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, आखिर यह किया किसने। कहा जाता है ना कि जो मौके वारदात पर सबूत मिलता है वह सबूत ही सब कुछ हो जाता है, और कहीं ना कहीं सबूत के बल पर ही सारा काम होता है। सुबोध की गिरफ्तारी होती है, सुबोध को जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरह की चीज़ें होने लगती है। इसी बीच पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है और लड़की के पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म करने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से इसका गला दबा करके हत्या कर दी गई है। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ ऐसा वारदात किया गया है, सब इस बात को लेकर इस लड़के को फांसी होने का डिमांड करने लगते हैं। जगह जगह पर कैंडल मार्च भी प्रारंभ हो जाता है। जितने भी राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सब इस बात को लेकर के अपनी आवाज़ उठाते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। और होता भी वही है, समय आने पर कहीं ना कहीं साक्ष्य और सबूत के बेस पर सुबोध को फांसी की सज़ा जज साहब सुना देते हैं। आज एक बार फिर एक निर्दोष को दोषी बनाया जाता है, वह भी दोष इतना कि कहीं ना कहीं फांसी के फंदे तक भी उसको पहुंचा दिया जाता है। 2 दिन बाद उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, अब सुबोध परसों तुम्हारी फांसी होनी है। और फांसी होने से पूर्व कानून और संविधान भी यह कहता है कि जिसको फांसी होनी होती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसी संविधान और कानून और न्यायालय का पालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है, तुम आखिरी में
में क्या चाहते हो? सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब मैं चाहता हूँ कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। तो जेलर साहब बोलते हैं कि सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती है, तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी होगी। तो सुबोध कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक वक्त अपने पत्नी के साथ बिताऊँ, उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूँ। क्योंकि यह बात अंतिम इच्छा की थी और इस बात को सुनकर जेलर साहब कहीं ना कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं। जेलर साहब यह सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ जो कैदी को 2 दिन बाद उसको फांसी के फंदे पर झूलना है और कहीं ना कहीं वो दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वह पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन दोस्त, अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और उसकी पत्नी को यहाँ खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, एक रात तुम उसके साथ बिता लो। उसकी पत्नी वहाँ से निकलती है और वो भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं है, आखिरकार हैं तो मेरे पति ही, चाहे वह दोषी हो या निर्दोष हो, कानून तो उनको दोषी मान चुका है और कहीं ना कहीं वह जरूर इन्वॉल्व होंगे इस चीज़ में, तभी कानून भी उनको दोषी मान चुका है। तो चलो चलते हैं और अगर पति की अंतिम इच्छा की बात है तो एक रात उनके साथ बिताऊंगी। तो कहीं ना कहीं इस बात को सोच के उसकी पत्नी मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुंचती है। इधर उसके आने से पहले जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रखते हैं, उसको जनरल वार्ड से एक रूम के अंदर जेल में ही शिफ्ट किया जाता है और रूम में शिफ्ट करने से पहले उस रूम में एक रिकॉर्डर लगाया जाता है ताकि उस पति और पत्नी के बीच क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीज एक दूसरे के साथ हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वह कहीं ना कहीं जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं, जहाँ से उन दोनों के बीच जो भी कन्वेंशन हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, उसको साफ साफ सुन पाए। और इसके साथ ही उस रूम के बाहर भी 2 बॉडीगार्ड तैनात कर दिया जाता है। और पत्नी जैसे ही पति के पास पहुंचती है और जैसे ही अपने पति को देखती है रोने लगती है, जिसे देखकर पति भी रोने लगता है और दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं। रोने का सिलसिला जब ख़त्म हो जाता है तो पत्नी अचानक से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया सुबोध, आखिर हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने यह कृत किया, और अगर यह किया भी तुमने किसी से प्रेम, अगर किया तो उस प्रेम को तुमने मार क्यों दिया। बड़े ही सरसरी निगाहें से यह पूछना चाहती है कि आखिर क्या कमी रह गई थी, आखिर क्या बातें हो गई थी कि जिस लड़की से तुमने प्यार करते थे उसकी तुमने हत्या कर दी। उसका पति सुबोध हैरान रह जाता है, थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद बोलना शुरू करता है, क्योंकि जिस बात के लिए तुम मुझे बोल रही हो या फिर कानून जिस बात के लिए मुझे फांसी की सजा सुनाई है, वास्तव में मैं दोषी हूँ ही नहीं, मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं। यह भारत का कानून है, साक्ष्य और साबूत के बल पर कहीं ना कहीं किसी को भी सजा सुनाती है। इस बात से कहीं ना कहीं जितना भी एविडेंस है, जितना भी साबूत है, जितना भी साक्ष्य है, वह हमारे अगेंस्ट मिला है, इसी वजह से हमें फांसी की सजा सुनाई गई है। तो आखिर क्या बात है, तुम वह बात बताओ, उसकी पत्नी यह पूछती है। और इधर इन दोनों के बीच जो भी कन्वेंशन हो रहा होता है, जो भी बातचीत चल रहा होता है, यह बात साफ साफ जेलर साहब के साथ और भी लोग सुन रहे होते हैं। सुबोध बोलना शुरू करता है कि हमारी कंपनी में जहाँ की हम और प्रमोद दोनों एक साथ काम करते थे, वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है और वंदना से हमारी दोस्ती हो जाती है, इतना कि वह हमारा टिफिन खा लेती थी और हम उसका टिफिन खा लेते थे, और कहीं ना कहीं यही एक दोस्ती थी हम लोगों के बीच और बाकी दूसरा कुछ भी नहीं था, इसे कहिए तो एक अटैचमेंट था, जो सुबोध अपनी पत्नी को कहता है। तो पत्नी पूछती है इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद वंदना हमसे बोलती है कि हम एक दिन तुम्हारे रूम पर जाना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, और हम भी उसको इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और उसको बुला लेते हैं। कहीं ना कहीं प्रमोद भी पहले से उस रूम में पहुंचा हुआ होता है और हम बाज़ार सब्जी लेने के लिए गए हुए होते हैं। इस बीच प्रमोद उसके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, वह मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं सब्जी लेकर के आता हूँ तब वंदना का मृतक शरीर हमारे बेड पर पड़ा हुआ रहता है और वहाँ से प्रमोद फरार रहता है। मैं कुछ सोच पाता, मैं कुछ समझ पाता, कुछ देर बाद पुलिस आती है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, क्योंकि बात पर बॉडी मिला था। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं न्यायालय, साक्ष्य, कानून या सब हमारे अगेंस्ट होता है और पुलिस हमें वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा कह के वहाँ फपक फपक के रोने लगता है, उसकी पत्नी भी रोने लगती है, दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं।
और यहाँ तक कि जो गेट के बाहर जो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं इस बात को सुनकर वहाँ भी रोने लगते हैं। जेलर साहब जो अपने ऑफिस में ये सारा कुछ सुन रहे होते हैं वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से, इस बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं जेलर साहब के भी आंखों से आंसू आ जाता है। पूरा जेल का जो माहौल होता है वह कहीं ना कहीं गम में बदल जाता है। सुबोध आगे अपनी कहानी को बताना प्रारंभ करता है और भारत का कानून अंधा होता है और कहीं न कहीं यह अंधा कानून ही काफी है। साक्ष्य और सबूत जो मौके वारदात पर मिला उस बेस पर हमें फांसी की सजा सुना दी गई, तो कोई बात नहीं, अगर हम चाहेंगे तो हमारा और तुम्हारा मिलन फिर होगा। तुम जाओ, तुम्हारे दो बेटे हैं, बच्चों को अच्छे से देखना और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र अपने बच्चों से मत करना कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, नहीं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कानून और शासन और प्रशासन से उन दोनों मासूम बच्चों का भी भरोसा खत्म हो जाएगा। और यह बात बोल के सुबोध फिर से रोने लगता है। उसकी पत्नी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है पूरा जेल का माहौल गमगीन हो गया था, सब लोग रो रहे होते हैं। बॉडीगार्ड के साथ साथ जेल के जितने भी स्टाफ हैं सब लोग रो रहे होते हैं इस घटना को देख के। जाते समय पत्नी पति को देखती है और पति पत्नी को देखता है, मतलब सुबोध अपनी पत्नी को देखता है और उनकी पत्नी सुबोध को देखना प्रारंभ करती है। दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखते हैं और जब अपने पति को रोता हुआ देखती है तो फिर से वहाँ पर पहुँच जाती है और ना सिर्फ पहुँचती है बल्कि उसके पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है, पति देव, आज मेरा और आपका ये आखिरी मिलन है। मैं चाहती हूँ कि 1 से 2 मिनट मैं और आपके पास रह जाऊं। जेलर साहब इस बात की अनुमति देते हैं, 1 से 2 मिनट और बिताती हैं उसके साथ। इसके बाद फिर से वह जाना प्रारंभ करती है और बोलती है, आज आपका और मेरा आखिरी मिलन है और अब मैं जा रही हूं। पत्नी अपने घर चली जाती है, लेकिन इस बीच जितने भी लोग होते हैं इस बात की चर्चा करने लगते हैं कि आखिरकार एक निर्दोष को फिर से आज फांसी के फंदे पर भारत की कानून, भारत का संविधान पहुंचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इस बीच जेलर जब पूरे वॉइस रिकॉर्डर को दोबारा सुनता है तो उसके मन में अचानक यह ख्याल आता है कि आज फिर एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है, कहीं न कहीं कानून और संविधान फिर आज एक निर्दोष को फंसा देगी। परसों सुबोध को फांसी हो जाएगा तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगर हम अपने पूरे सर्विस पीरियड के दौरान अगर ऐसा नहीं कर पाएं तो फिर हमारे रहने और ना रहने का कोई फायदा नहीं है। अचानक से पूरे इस बात की चर्चा हो जाती है। अपने अगला अधिकारी को बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल का मीटिंग बुलाते हैं। जेलर साहब उस मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ राजनीतिक दल, सामाजिक दल, इसके साथ साथ कई सारे जज भी वहां पर पहुंचे हुए होते हैं। इस बात की चर्चा वहां पर प्रारंभ हो जाती है और जो जेलर होते हैं उस वॉइस रिकॉर्डर को वहां पर चलाते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिरकार भारत का कानून यह क्या करने जा रही थी। और इस बात का निर्णय होता है कि आखिर सही में दोस्त उसका दोस्त प्रमोद है तो फिर सुबोध को फांसी क्यों। इस बात की चर्चा वहां पर होने लगती है और सब लोग इस बात का डिमांड करते हैं कि अब इस सबूत को रोका जाए और प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। अगले दिन इस बात की सूचना सुबोध के घर जाती है कि तुम्हारे पति को बाइज्जत रिहा किया गया है। इस बात को सुनकर पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद भारत के संविधान और भारत पर दोबारा से भरोसा कर बैठती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और था और सच्चाई यह था कि प्रमोद ने वंदना का कत्ल किया था, ना कि सुबोध ने। अब क्योंकि परसों फांसी होनी होती है सुबोध को, इधर जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है कि प्रमोद को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस अपना काम शुरू करती है और जाकर प्रमोद को पकड़ लेती है। प्रमोद को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय ने प्रमोद को फांसी की सजा सुना देती है। कानून और संविधान पर भरोसा नहीं करने वाले लोगों का विश्वास और भरोसा फिर से भारत के न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और कानून पे हो जाता है। अगले ही पल प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाता है और प्रमोद को फांसी हो जाती है और सुबोध को बाइज्जत रिहा किया जाता है। यही कहा गया है कि कर भला तो हो भला, अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला ही होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। बाकी इस पूरी कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा भी होता है भारत की न्यायिक प्रक्रिया, भारत का संविधान, भारत का कानून क्या एक निर्दोष को भी फांसी के फंदे तक पहुंचाती है।
और अगर निर्दोष को भी फांसी के फंदे तक पहुंचाती है तो क्या यह आम आदमी के लिए सही है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।